प्लेसेस। लाइन दिखाई कितनी लंबी लगी? मैंने दिखाया। रात को भूख लगी और बहुत टेस्टी खाना होना। करा गए हैं कोल्ड ड्रिंक और ये है कबाब। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और हम निकले हैं रात को टोक्यो के अंदर बिकॉज हमारा मन था खाने का बहुत ही फेमस आकिहाबारे के रोल है, मतलब कबाब बोलते हैं यहाँ पे। एक्चुअली वो रोल टाइप ही होता है, रोटी या मैदा वाली रोटी के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स भी होती हैं और यहाँ के पोटैटोज भी बहुत फेमस है। मैं दिखाती हूँ शॉप, और सामने वो शॉप है, ये शॉप है जो काफी फेमस शॉप है। और देखो कितनी ज्यादा भीड़ लगी है, पता है। ये शॉप में सबसे अच्छी बात यह है कि ये शॉप में रात के 3 बजे तक ये चलती रहती है और 3 बजे तक लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। हमें यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं वेट करते करते, और फिर भी देखो लाइन उसके पीछे बहुत बहुत लंबी लाइन है। मैं आपको दिखाऊंगी, देखो कितनी ज्यादा लाइन लगी हुई है। आप देख रहे होंगे कि इतने इतने लोग भाई सब लाइन पे लगे हुए हैं। ये शॉप का नाम है मोजेस सान, कुछ मोसेस कबाब नाम से शॉप है और ये अकियाबारे में बहुत ज्यादा फेमस है और स्टेशन के जस्ट ये पीछे ही है। लकी तो लेने गए हैं कबाब और लेकर आएंगे कबाब, तो मतलब रोल, और मैंने अपने लिए मंगाया है पोटैटोस। तो खाते हैं और टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं यहाँ का कैसा है। तब तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से कैसी शॉप है। चलिए आपको दिखाया कि यहाँ पे ना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। 600 या 700 के कबाब आते हैं, और देखो मेरे कबाब मतलब रोल आ चुके हैं, ये लेकर आ चुके हैं। वे पूरा कॉम्बो लेकर आए, मैं खोल देती हूँ, सारा सब कुछ लेकर आया। मैं पकड़ती हूँ, ओहो गरम गरम, सॉरी। सो ये लेकर आ गए हैं कोल्ड ड्रिंक और ये है कबाब मतलब रोल, और ये इनके लॉन्ग पोटैटोस, ये बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं बिकॉज ये मैश्ड पोटैटो से बने रहते हैं। और ये है नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज। और ना मुझे सबसे अच्छा टेस्टी पता है यहाँ का क्या लगता है, मुझे यहाँ के सबसे टेस्टी लगता है ये पोटैटोस। व्हाट इज दिया? तो मैंने ना इनका रोल यहाँ पे रख दिया जहाँ पे पानी की बॉटल रखते हैं। और मैं कह रही हूँ ये बहुत फेमस शॉप है ना यहाँ की अखियाबारे की, इसका नाम है मोसेस। लाइन दिखाई कितनी लंबी लगी? मैंने दिखाया, देखो अब और आ रही है लाइन्स, आ रही है यहाँ पे। क्या होता है कि जापान के जितने भी यंगस्टर होते हैं ना, ये अकिहाबारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का एरिया है और नाइट में थोड़ा ना एंजॉय करने के लिए बनता है, मतलब सब लोग आते हैं तफरी मारते हैं, तो यहाँ पे इतने लोग आते हैं रात को, गाड़ी आगे खड़ी कर रखी है, सब वो साइलेंसर फड़वा रखे हैं, और नहीं साइलेंसर थोड़े अजीब करवा रखे हैं, इनमें इतनी साउंड लगा रहा है ना, तफरी मारने आते हैं और यहाँ पे आके खाते हैं। ये शॉप भी बहुत फेमस है, पहले ये 12 बजे बंद हो जाती थी, अब इन्होंने 24 घंटे कर दी। 3 बजे होती है ना, पहले 3 बजे होती थी, अब 24 घंटे कर दी इन्होंने। सॉरी गाइस, मैंने आपको बताया था 3 बजे बंद हो जाती है, 24 घंटे हो गई है। मस्त रात को भूख लगी और बहुत टेस्टी खाना होना कबाब या मतलब रोल, तो आप यहाँ आ सकते हैं। जैसे दिल्ली में होता है ना कि कहीं पे रात को फेमस चल जाते हैं, कि गेड़ी मारने चल जाते हैं कि ये खा जाते हैं, कहीं सरोजनी नगर चल जाते हैं वहाँ पे कुछ रात को जो रेस्टोरेंट होते हैं वो ओपन होते हैं वहाँ चल जाते हैं, तो जापान में थोड़ा ये वाला एरिया होता है उस टाइप का। तो हम रिकमेंड करेंगे आप एक बार यहाँ पे आके टेस्टी से खाना अगर आप टोक्यो आए हैं तो हम खाते हैं। और बहुत टेस्टी मैश्ड पोटैटोस, और साइज देखो पोटैटो का भाई, ये लॉन्ग लॉन्ग पोटैटो बोलते हैं, लॉन्ग पोटैटोस, मैश्ड पोटैटो बोलते हैं, मतलब अच्छा है इनका ना केबाब की जो सॉस है ना बहुत अच्छी है। रिकमेंडेड है, पर जिनको स्पाइसी थोड़ा फ्लेवर वाला मसालों का चाहिए होगा ना उनके लिए बेस्ट है, मतलब बहुत टेस्टी है, तो हम खाते हैं और फिर चलते हैं। The next day. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल है, डांडिया है और शायद दुर्गा पूजा भी है, तो वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं कैसा क्या प्रोग्राम है। और साथ में मम्मी जी पापा जी भी जा रहे हैं,
तो चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या प्रोग्राम है, क्योंकि हम भी पहली बार जा रहे हैं डांडिया वाले फेस्टिवल में और जो है निशिकासाई में। तो निशिकासाई में जो है ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन सोसाइटीज़ हैं, इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, चलिए। और हम निकल चुके हैं निशिकासाई और मम्मी जी पापा जी के साथ, सॉरी पापा जी तो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, बट हम जा रहे हैं अभी, मैं लकी और मम्मी जी। तो चलते हैं हैं। और हम पहुंचे हैं डांडिया फेस्टिवल देखने के लिए, और शायद मम्मी जी का पहली बार है डांडिया। हाँ। तो अब देखते हैं जापान में भी डांडिया कैसे मनाई जाती है। हमारे यहाँ दशहरा होता है। अच्छा, तो आज दशहरा भी है और डांडिया भी चल रही है। डांडिया फेस्टिवल। खेल रहे ना, इतना मजा आ रहा है। हम एक इंडियन आउटफिट में नहीं आई हूँ, है ना, बट सब बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। सारे फेस्टिवल, सारे सारे देश के झंडे लग रहे हैं। फॉर्म सर्कल की नहीं, सबने अपनी डांडिया ला रखी है, हमने तो अपनी डांडिया स्टिक्स नहीं ला रखी है, तो हम तो ऐसे ही सेलिब्रेट कर लिए। पाँच छह राउंड तो मारे होंगे, चार राउंड मारे शायद। मजा आ गया। बाय बाय डांडिया। बाय बाय, बहुत अच्छा। अगली बार आऊंगी पूरे पूरे इंडियन कपड़े पहन कर आऊंगी, अच्छे वाले बिल्कुल, जो डांडिया में सूट होते हैं। हाँ। है ना। तो ये था गरबा और बहुत अच्छा था, मतलब इंडिया के यहाँ सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं निशिकासाई में। तो ऑलमोस्ट ये तो दशहरा का फेस्टिवल या डांडिया कह लो, दुर्गा पूजा का फेस्टिवल था, बट अब दिवाली के फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। आई होप आपको ये भी ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो ऐसे ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।